चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक और महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं बिटकॉइन और बाकी डिजिटल मुद्राओं के ऊपर। एक वीडियो मैंने आपको दिया है पहले, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि अब इसके बारे में कई आपको चर्चे और इंफॉर्मेशन और न्यूज मिलेंगे, तो इसलिए जरूरी समझा मैंने कि एक और वीडियो आपको दूं कि किस किस तरह से इसके इन्वेस्टर्स बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो यह है कि यह बिल्कुल फूल प्रूफ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, इसमें गलतियों के कोई चांस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दिमागों में फीड ऐसे किया जाता है, अगर नहीं फीड किया जाएगा तो उसमें इन्वेस्ट कौन करेगा। तो इसलिए मैं वही आपको और महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आप एक ही दिन में किस तरह से अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट गंवा सकते हैं, आप बर्बादी के कगार पर पहुंच सकते हैं। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, क्योंकि जो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लूप होल्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं। और अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कहा जाता है कि ये एक विशेष तरह के टेक्नोलॉजी पर चलता है, एक मैकेनिज्म होता है, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर इसको चलाया जाता है और वो पूरे दुनिया में कई कंप्यूटर्स होते हैं उसमें लगातार उनका जिसको कहते हैं एंट्रीज होती हैं, इसलिए उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। इसको ब्लॉकचेन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो भी सिस्टम शुरू किया गया है, ब्लॉकचेन है या व्हाटएवर इट इज, जिसने भी शुरू किया होगा, क्या उसको यह पता नहीं होगा कि सिस्टम को किस तरह से ब्रेक किया जा सकता है, इसमें किस तरह से पेनिट्रेट किया जा सकता है? क्या आज तक कोई ऐसा सिस्टम बना है जिसे पेनिट्रेट न किया जा सकता हो? तो पहला पॉइंट ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है जिसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकें, जो आंसरेबल हो, कोई भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अगर किसी ऐसी स्टेज पर, आज देखते हो आप डार्क वेब चल रहा है, कितने वहां पे गलत काम होते हैं, लेकिन है किसी की हिम्मत? उसको आज तक किसी दुनिया की किसी भी सरकार ने उसको पता नहीं कर पाया है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर पाई है। इसी तरह से अब अगर कोई इस तरह का, जब कंप्यूटराइज सिस्टम है, कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, तो पहला पॉइंट कि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज लिया जा सकता है। और जो भी आपका है, आप कहीं जा ही नहीं सकते हो, आप कोई आपके लिए आंसरेबल ही नहीं है। तो पहला पॉइंट तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। कभी भी आपको यह जरूर कन्विंस किया गया है कि इसमें गलती के कोई चांस नहीं, लेकिन कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ दुनिया में जिसमें पेनिट्रेट ना किया जा सकता हो, इसलिए इसमें भी पेनिट्रेट किया जा सकता है। और पूरे के पूरे जो दुनिया का, आप सोच लीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा कि पूरा का पूरा एकदम एक साथ किसी ग्रुप के पास पूरा का पूरा जो ट्रेजर है, धन है, पूंजी है, वो जा सकता है। पॉइंट नंबर टू देखिए, पहला तरीका आप समझ गए टेक्नोलॉजिकली। दूसरा तरीका, अब ये सप्लाई और डिमांड पे है। इसको कहा गया था 21 मिलियन, इससे ज्यादा इनकी संख्या नहीं हो सकती है। अभी तक आई थिंक 18.6 मिलियन के लगभग जो है ये माइन हो चुके हैं। अब जो बच गया है 3.4, जो भी बचा है बैलेंस, वो आगे के वर्षों में होता रहेगा जब भी होगा। अब अगला पॉइंट समझिए, इसमें कोई ऑपरेटर नहीं है, सब कुछ टेक्निकल, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। अब जो 18.6 मिलियन है उनके धारक कौन है किसी को पता नहीं, कोर्ट्स हैं केवल, किसी का नाम किसी को पता नहीं, कोर्ट्स के आधार पे सब कुछ पता है। अब इसमें जो बिग फिश होंगी, बहुत बड़ी मछलियां होंगी, उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया होगा इसको। ध्यान से समझते जाइए, कैपिटलाइज किया होगा नहीं, कर लिया है, कैपिटलाइज कर लिया होगा। मान लीजिए 18.6 मिलियन बिटकॉइंस की बात हो रही है और उनके पास एक ग्रुप या दो ग्रुप या तीन ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने
इसका बड़ा भाग अपने पास कैपिटलाइज कर लिया है, से 10 मिलियन उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया आउट ऑफ 18.6। अब क्या है, ये सप्लाई और डिमांड पे है। इस समय वो इसकी डिमांड को लगातार बढ़ाना चाहते हैं इसकी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए। इसलिए क्या होगा कि उसको पजेस किए हुए हैं, वो उसको बिल्कुल भी सेल कर ही नहीं रहे, उसकी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं लगातार। जैसे ही उनको दुनिया से पता चलेगा, दुनिया के देश अलग अलग डिजिटल करेंसी लागू कर रहे हैं, इनमें टैक्सेशन होने वाला है या इसके लिए और कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी, इमीडिएटली उसको डंप कर देंगे पूरा का पूरा 10 लाख। जैसे ही डंप करेंगे, ध्यान से सुनते जाइए इकोनॉमिक्स का सिद्धांत, अब क्या होगा, पूरा का पूरा डंप कर दिया उन्होंने, बेच दिया। अब उन्होंने तो रियलिस्टिक मनी ले ली वहां से, डॉलर्स है या फिर आपका रुपी है, युआन है, जो भी है वो उन्होंने, या लिरा है, वो अपनी उन्होंने वापस ले ली। उनको तो कई गुना फायदा हो गया जिस पर्पस से उन्होंने ये काम किया था। 10 मिलियन एक एग्जांपल दे रहा हूं, उन्होंने कर दिया डंप या डिस्पोज कर दिया, बचा 8.6। जैसे ही इसका कॉस्ट नीचे आएगा, रातों रात आएगा, तो जो 8.6 मिलियन जो धारक हैं, वो भी सोचेंगे कि ये क्या हुआ, ये तो मार्केट जो मिले वो ही ले लो मार्केट से, क्योंकि यही परिस्थिति बनती है जिस समय एकदम मार्केट स्लैश होता है, डाउन होता है, वो भी डंप करेंगे। क्या होगा अल्टीमेटली, ये होगा कि पूरा का पूरा जो कॉस्ट आज आप दे रहे हो, जो उसका कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू है, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, स्लैश हो जाएगा और लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्या होगा, बिटकॉइन का नाम खत्म। अब आप बताइए, ऐसा होने के बाद या फिर दोबारा से जो लोग पूंजीपति हैं, दोबारा से फिर इस मार्केट को बढ़ाएं या जो भी करें व्हाटएवर, लेकिन एक बात, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि ये कुछ ऐसे ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं जो इसके दाम लगातार बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। आज अगर इंडियन रुपी में देखें तो 8 लाख से ज्यादा इसकी कॉस्ट हो रही है, मैं शायद कम ही बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कॉस्ट हो रही है एक बिटकॉइन की। तो समझ सकते हो आप कि इसकी कॉस्ट को बढ़ाया गया है, कितनी भी कॉस्ट बढ़ा लीजिए, क्योंकि जो चीज आप पजेस कर लिए आपने एक बार, आप जानते हैं मार्केट का रुख, आप पजेस किए हुए हैं, आपका वो बढ़ता चला जाएगा रेट, आप मार्केट को नीचे आने ही नहीं देंगे। जैसे ही आपको लगेगी अवेलेबिलिटी ज्यादा, आप और ले लेंगे, क्योंकि आपके पास फाइनेंस की कमी नहीं है, रिसोर्सेस की कमी नहीं है। तो मार्केट में क्या जाएगा परसेप्शन, इसमें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इसको तो हम, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो इन्वेस्ट करेंगे, अब जो है दुनिया के विभिन्न देशों की मुद्रा एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से एक परिस्थिति यह आएगी कि वो जो भी ग्रुप है पूंजीपति, जो दुनिया को एक न्यू सिस्टम देना चाहते हैं, इसी तरह की मुद्राएं चला के दुनिया को डोमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास फिर मुद्रा होगी हर देश की, और वो दुनिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पूंजीपति होंगे, और सामान्य आदमी लास्ट में फिर मर जाएगा, फिर लॉस में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब देखेंगे कि अब हमारा यहां पर, यहां से हमें लॉस होगा, उसी समय उसको डिस्पोज कर देंगे। सामान्य आदमी ये बात समझ नहीं पाएगा और बिल्कुल जमीन पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, मैं और भी पॉइंट्स बताऊंगा एक एक करके आपको उस एक डिबेकल से बचाने के लिए, एक बड़े घाटे से बचाने के लिए, डेफिसिट से बचाने के लिए। इसलिए फिर कह रहा हूं, जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसको निकाल लीजिए, उसमें से केवल 25% प्रॉफिट, जैसे मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, निकाल लीजिए इसको, विड्रॉ कर लीजिए, उसमें से केवल 25 लाख रुपए डाल दीजिए दोबारा, फिर खरीद लीजिए। अगर लॉस भी हो जाएगा तो हमें यह रहेगा कि ठीक है, हमने 75 लाख तो कमाई लिए थे, इसका मतलब क्या हो गया, 75 और 25 का रेशियो रख लीजिए प्रॉफिट में से, और अपना एक्चुअल उसमें मत लगाइए, क्योंकि ये वर्चुअल मुद्रा है और ये कुछ पूंजीपतियों के एक डोमिनेशन में चलाई जा रही है, और वो कभी भी आपको घाटे या डेफिसिट या लॉस में ले जा सकते हैं। और यही होगा, मैंने जो पिछले वीडियो में बताया है कि दुनिया में जो डिजिटल करेंसी का काल आने वाला है, और उसको देखते हुए आप देखेंगे कि ये परिस्थिति बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली है। टैक्सेशन होगा,
उसको बैन किया जाएगा कई जगह, जैसे ही इस तरह की उनको, क्योंकि भाई वो तो पूंजीपति दुनिया के नंबर वन नंबर टू हैं, उनके पास तो सबसे पहले सरकारें संपर्क करेंगी, कई सरकारों से उनके संबंध हैं, जैसे ही उनको ये पता चलेगा तो वो ये काम तुरंत कर सकते हैं, आपके पास कोई जानकारी नहीं होगी। भिंग आप सिंपल, आप इन्वेस्टर हैं, आपको ये पता ही नहीं कि ऐसा ऊपर लेवल पे ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अपने प्रॉफिट का 75% विड्रॉ कर लीजिए, मूल लागत तो निकाल लीजिए और 75 के बाद 25 को दोबारा से डाल दीजिए। आगे मैं और आपको कुछ मुद्राएं बता दूंगा, उनमें आप करिए, क्योंकि जब मुद्रा अपने इंसेप्शन में होती है या अपने प्रोग्रेशन में होती है उस समय वो चौपट नहीं होती है। अब ये पी किसका लगभग पी का चुका है 18.6 मिलियन हो चुका है, तो अब इसके लिए स्थितियां बहुत खराब आने वाली हैं और जो कैलकुलेशन मैंने किया उस आधार पे भी ऐसा ही निकल रहा है। इसलिए बिटकॉइन में उतना ही करिए जितना आपको प्रॉफिट हुआ है, उसमें से केवल 25% करिए और बाकी निकाल लीजिए और जगह से अर्न करिए, जरूरी नहीं कि वहीं से करना है। तो फ्रेंड्स ये है, महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमें और देनी थी, आगे भी मैं वीडियो इस पर दूंगा आपको। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी तरह के लॉस से बचे रहें और जहां से हो सके प्रॉफिट कमा सके। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगला वीडियो मैं जल्दी देने वाला हूं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको अगला वीडियो महत्वपूर्ण जल्दी ही दूंगा। आप सभी ने ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।